नमस्कार, मैं हूं दीपांकर मेस। एनडीएस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। डिमासा यानी कि एनसीएल असम का एक खूबसूरत पहाड़ी जिला है। 1952 में असम से अलग से काउंसिल मिलने के बाद भी आज भी दूसरे डिस्ट्रिक्टों से काफ़ी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। तकरीबन 50 साल गुजर गया लेकिन डिमासा का कुछ डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? जब भी आप गूगल या इंटरनेट में कई भी सर्च इंजन पे आप सर्च करने जाओगे तब डिमासा टाइप करने से आपको एक ही चीज़ दिखाई देगा, वो है करप्शन। वैसे भी 1000 करोड़ स्कीम के बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन बहुत सारा बातें ऐसा है जो आप लोगों को शायद अब तक पता नहीं है। इसीलिए आज हम लोग का एनडीएस चैनल का ये स्पेशल प्रोग्राम रखा है ताकि हम लोग आप लोगों को बता सके किस तरह से ये स्कैम हुआ था। और चौंकाने वाला बात ये है कि ये स्कैम जो है 1000 करोड़ नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा उससे भी करोड़ करोड़ रुपया का स्कैम हो सकता है। इसी केस को लेकर एनडीएस का सीईओ मिस्टर जैद जुनिसा जी आज समीर अहमद से फ़ोन में बातचीत किया। समीर अहमद वही एक व्यक्ति है जो इसी केस से ताल्लुक़ रखकर 4 साल तक गुवाहाटी सेंट्रल जेल में सज़ा भी काट चुका है। तो इस 1000 करोड़ जो स्कैम हुआ उसका पीछे क्या क्या राज छुपा हुआ है हम जानने की कोशिश करेंगे जैद नूनिसा जी से। मिस्टर नूनिसा, एनडीएस का आज का ये स्पेशल शो पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज समीर जी के साथ आपने, समीर अहमद जी के साथ आपने तकरीबन 26 मिनट और 2 सेकंड तक फ़ोन पे बातचीत किया। उस बातचीत पे बहुत सारा बातें ऐसा है जो पहले बार खुलासा होने जा रहा है हम लोग का एनडीएस का थ्रो से, तो व्यूअर्स को भी बहुत सारा बातें पता नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको तो हम सवाल पूछेंगे किस तरह से बातचीत हुआ, क्या बोला। उससे पहले हम एक बात बोलना चाहते हैं कि डिमासा में 1952 में काउंसिल मिला था असम से, असम स्टेट से, जो पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करते थे, तो बाद में उसको ऑटोनोमस काउंसिल भी मिला। वो काउंसिल इसलिए मिला था कि डेवलपमेंट हो। ये डिस्ट्रिक्ट खासकर ट्राइबल लोग रहता है, पिछड़ा हुआ लोग रहता है, उसको भलाई के लिए, अच्छे के लिए, डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बनाया गया। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए आज का डेट में एनसीएल सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, ये जो 1000 करोड़ का स्कैम है ये सिर्फ 2009, 2008, 2007 इसी वक्त का स्कैम है या 1952 से ये थोड़ा थोड़ा करके स्कैम होते आ रहा था? देखिए, स्कैम तो स्कैम ज़रूर है, डेफिनेटली दिस इज अ स्कैम, बट नॉट ओनली 1000 करोड़ इज जस्ट लाइक ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनसील। अब 1000 करोड़ के नाम से एनसील्स को पहचाना जाता है। एग्जैक्टली, खासकर 1000 करोड़ बोलने से एनसील्स हाफलोंग डिमासा के नाम से जाना जाता है। तो 1000 करोड़ इज ए वन टाइप ऑफ ब्रांड एम्बेसडर टाइप। सो इसी के पीछे करोड़ से करोड़ का घोटाला भी हो सकता है अगर कैलकुलेट किया जाए तो। आज जैसे कि मिस्टर समीर अहमद जिसे मेरा जो हाफ एन आवर ऑलमोस्ट जो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 26 मिनट 2 सेकंड आप बात बातें जो हुआ है उनसे, तो मुझे उनकी बातों से जो जानकारी मुझे हासिल हुआ है तो मुझे पता चला कि जो करप्शन जो है 1952 पे काउंसिल मिला है, राइट? तो 1952 से अभी है 2017 तक डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। व्हाई? दूसरे जो एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट किस तरह से डेवलप हो रहा है और एक वहां पे बैकवर्ड है, इसीलिए 1952 पे काउंसिल दिया गया है, काउंसिल फिर भी आज तक डेवलपमेंट नहीं है। इसमें कोई भी रास्ता नहीं है, बहुत सारे गांव पे जो रास्ता नहीं है, करंट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से ये नहीं होगा कि वहां पे करप्शन नहीं हुआ बोल के? ये डेफिनेटली करप्शन हुआ है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे, बट नॉट ओनली 1000 करोड़, उसके ऊपर भी और भी करोड़ उसमें करप्शन हुआ है। एंड सबसे बड़ा बात, हमें जो उनसे जो जानकारी मिला है मिस्टर समीर अहमद जी से, जब मैंने पूछा कि करप्शन हुआ है तो फिर किस तरह से करप्शन हुआ है एंड किस किस समय पे हुआ है, तो उनकी जानकारी के मुताबिक 1952 के बाद करप्शन होता था लेकिन थोड़ा थोड़ा हो के आ रहा था। एंड आपका 1993 से 2009 तक ज़्यादा हद तक वहाँ पे करप्शन दिखाई दिया, वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। इसीलिए 2009 पे जो वो जगह करप्शन का जो करप्शन ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट हो गया वो, मतलब और कंट्रोल नहीं हुआ है वो चीज़,
ज़्यादा एक्सेस हो गया था। एंड दैट टाइम NIA का फर्स्ट केस था वहाँ पे, जो NIA CBI मिलके जो फर्स्ट वहाँ पे वो केस जो किया है, जो 1000 करोड़ जो नाम निकला है वहाँ पे, उस समय मिस्टर मोहित होजाए फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एनसीएल ऑटोनॉमस काउंसिल वो भी अरेस्ट हुआ है। एंड मिस्टर आरिज खान बल्कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था एंड सम कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो लोग सब एक अरेस्ट तो है उसी समय। एंड दैट टाइम गवर्नर रोल भी हुआ है एनसीएल पे कुछ नियर अबाउट 6 मंथ तक। तो उसी समय की बात जो है, वहाँ का सिस्टमेटिक काफ़ी अलग हुआ है, वहाँ का जो नियम कानून है। उसी में से फिर से एक क्वेश्चन राइज होता है मिस्टर नोनीसा, अभी जो मोहित होजाए जी है उसको 2008 या 9 पे, आई थिंक 9 पे अरेस्ट हुआ था। ओके 2009 पे शिलोंग में उसको CBI ने अरेस्ट किया 1 करोड़ के साथ। लेकिन अभी भी देखा जाए कि 1000 करोड़ का स्कैम का मेन कल्प्रिट कौन है बोलने से आदमी लोग सोचता है मोहित होजाए जी है। ये कितना हद तक सही है? देखिए मैं वही चीज़ बोल रहा था कि देखिए 1000 करोड़ मीन्स सिर्फ मोहित होजाए ने स्कैम किया है उसमें वो उसमें जुड़ा हुआ है ऐसा बात नहीं है। 1000 करोड़ 2 महीना पे इज नॉट पॉसिबल। हाँ वो दो महीने के लिए नॉट पॉसिबल कि हाँ। 2 महीना पे जो 1000 करोड़ जो स्कैम होगा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जो काउंसिल पे जो एनुअल बजट होता है नियर अबाउट 250 करोड़ फ्रॉम दैट टाइम मतलब करप्शन होते आ रहा था 2009 तक हुआ है एंड उसी समय खुलासा हुआ है वो चीज़। फिर भी यहाँ पे और एक नया क्वेश्चन अराइज होता है जो मतलब आज समीर जी के साथ आप बातचीत हुआ उसमें पता चला कि 1993 से ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा था ये करप्शन का चीज़ें। तो देखा जाए 1993 से 2009 तक काउंसिल में बहुत सारा CEM आया, EMs आया, उसके बाद देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग भी बहुत सारा आया था उस टाइम पे और ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत सारा आया गया चेंज भी हुआ, अभी भी कोई रिटायरमेंट में चला गया है। तो अगर 1993 से ये सब चल रहा था लेकिन 2009 तक जब पकड़ा खाया 2-3 आदमी ही ऐसा पकड़ा खाया, तो अभी भी क्या काउंसिल का सॉरी एनसीएल में अभी भी बाहर में 1993 से जो 2009 तक मतलब जो CMEMs रहा था वो सब अभी भी मतलब वही स्कैम में हाथ है क्या? डेफिनेटली उसमें हाथ तो सभी का होगा, सम पॉलिटिशियंस, मैं मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा उसमें, लेकिन मेरा जितना जानकारी मिला है मिस्टर समीर अहमद जी से कि सम पॉलिटिशियंस एंड सम ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स एंड सम कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब मिलके मतलब उस स्कैम पे जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई एक भी चार्जशीट मतलब कुछ लोग जो है वो अंदर है जेल के अंदर है लेकिन कुछ लोग जो है वो बाहर है। तो क्या लगता है वो लोग मतलब अभी फंसेगा वो सब स्कैम में? देखिए इंडियन जुडिशरी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो लोग चाहे अच्छी तरह से अगर कार्रवाई करे तो फिर कल्प्रिट जो है वो जरूर मतलब उसको सजा मिलना चाहिए एंड जो निर्दोष जो है उसे न्याय मिलना चाहिए एंड तभी इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जो लोग है ट्रस्ट कर पाएंगे एंड उसको फेथ कर सकता है उसे। तो अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसे जल्द से जल्द कर सकता है लेकिन इंडियन सिस्टम इतने वीक है कि बहुत काफ़ी साल लगाता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी आप यही केस को देखिए NIA का ये फर्स्ट केस है सिंस 2009 से चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट 8 ईयर्स होने वाला है। अभी तक भी कुछ सॉल्ट आउट नहीं कर पाया वो लोग एंड लास्ट 15 मई पे करने वाला था कि लास्ट उन लोग का लेकिन वो सब कारण से वो उसको पोस्टपोन किया गया 22 मई तक लेके गया। तो व्हाटएवर जो भी हो, अगर अभी बात है कि करप्शन की किस तरह से हुआ है, अगर हुआ तो फिर कैसे हुआ है? लेकिन मुझे जब जैसे पता चला कि आज समीर अहमद जी से बातचीत करने के बाद मुझे जो जानकारी मिला है कि मैंने उसे पूछा कि अगर करप्शन हुआ है
1000 करोड़ क्या उसे ज्यादा भी करोड़ हुआ है, बट करप्शन होने को हुआ है तो फिर किस तरह से हुआ है? अच्छा, जब मैंने पूछा है तब उन्होंने जवाब दिया है कि मुझे कि करप्शन तो हुआ है और उसका सिस्टम भी बताया है मुझे। जैसे कि सपोज पकड़ लीजिए एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक सम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल को डिमांड करता है अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए चलाने के लिए डिमांड करता है काउंसिल पे, एंड नॉट ओनली काउंसिल सम ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर एंड काउंसिल जो भी हो काउंसिल के सीएम ईएम जो भी हो, सीएम के एक चीफ होता है काउंसिल के सबसे बड़ा पोस्ट पे होता है जस्ट लाइक ए चीफ मिनिस्टर, एंड तब उसे डिमांड करने के बाद उसे फुलफिल करने के लिए जब वो कदम उठाता है फुलफिल करने के लिए तो उसी समय उसका एक फॉर्मूला मुझे जो बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन ने 5 करोड़ डिमांड किया है तो वो 5 करोड़ वो अरेंज करता है, लेकिन कैसे करता है? काउंसिल पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, असम स्टेट पे है ये काउंसिल बट सेपरेटली अलग अलग सब इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया गया है उसमें, तो एवरी डिपार्टमेंट से जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता है वहाँ से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया जाता है एंड इकट्ठा करके अगर उसका डिमांड 5 करोड़ है तो वो 7 करोड़ अरेंज करता है एंड 5 करोड़ उन लोगों की डिमांड फुलफिल करने के बाद बाकी वो 2-3 करोड़ अपने पास एडिशनल जो रख लेता है, तो इसी के कारण करप्शन ही है। यस, दिस इज द करप्शन, टोटल करप्शन ही है ओवरऑल। उसमें नॉट ओनली सीएम और ईएम, उसमें एवरी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर एंड सम कॉन्ट्रैक्टर सब मिला हुआ होता है, फॉल्स बिल बना के उस बिल निकलाया जाता है, फिर उसे पैसा जो परसेंटेज वाइज डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक गाँव पे पकड़ लीजिए एक स्कूल बिल्डिंग का वो प्रोजेक्ट था, उसमें फाइल में लिखते थे कि वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट वर्क डन बोल के लिख के फिर उसमें फॉल्स बिल निकाल के उसको फिर वो लोग बिल निकल के उसके बाद पैसा को एक दूसरे के साथ वो लोग शेयर करते हैं, शेयर करते तो है। उसी के कारण आरएस खान भी अरेस्ट हुआ था एक बल्कि वो सोशल वेलफेयर का डायरेक्टर था, तो वही काफ़ी फॉल्स बिल बनाने के बाद उसने उसे जो कार्रवाई करने के बाद पता चला कि वो भी इस केस में मतलब जुड़े हुए हैं, तभी उसे भी अरेस्ट किया गया, सिंस वो अभी भी जेल पे ही है एंड उसी के कारण जो डेवलपमेंट की फंड जो है धीरे धीरे से खत्म होते जा रहा था कि वो सब अपने पॉकेट पे घुस रहा था, वो सब अपने पर्सनल यूज के लिए एंड इसीलिए जो डेवलपमेंट की पैसा डाइवर्ट होते जा रहा था एंड डाइवर्ट होके जो 1000 करोड़ स्कैम जो है वहाँ पे आया कि करोड़ से करोड़ स्कैम हुआ है, लेकिन बट 1000 करोड़ एक नाम दिया गया, 1000 करोड़ इट्स जस्ट लाइक राउंड फिगर टाइप, तो इसी यही कारण है कि किस तरह से स्कैम हुआ है। अच्छा, अभी जो है समीर अहमद जी भी इस केस से ताल्लुक रखता है और उसके लिए सजा भी कर चुका है तकरीबन 4 साल। यस, तो वो किस तरह से वो फंसा था इस केस में, कैसे उसको क्यों जेल में गया और क्यों रिहा हुआ? ऐसे बताया गया क्योंकि अभी भी मोहित रोजा लोग जेल में है लेकिन वो 4 साल सजा कटने के बाद वो रिहा हो गया, किस लिए हो पाया? एक्चुअली उसे शेल्टरिंग केस पे उसे मतलब अंदर किया गया था। अच्छा, एंड उसके बाद उसे एनआईए चार्जशीट लगाया गया एंड एनआईए से वो रिलीज मिल चुका है क्योंकि उसमें उसका कुछ खास उस जो सबूत जो नहीं मिला है, मतलब करप्शन से उसका कोई लिंक नहीं था उसमें, नहीं है शायद, इसीलिए वो क्लियरेंस उसे मिल गया। किस तरह का लिंकेज था जो वो मतलब शेल्टरिंग केस था? जैसे कि उस समय मिस्टर ज्वेल गर्लोसा was chief of chairman of DSTJ and Black Widow and before this DST ek first jo organization tha uske ka bhi wo chairman hua karta tha and from that time matlab wo ek उनके साथ रिलेशन था, उनके साथ अच्छा दोस्ती था एंड पार्थो वारिसा जो फिलहाल जेल पे जो है कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ भी बहुत अच्छा था एंड दैट टाइम मिस्टर समीर अहमद बेंगलोर पे नौकरी कर रहा था, उसी समय उनकी घर पे वो लोग जाके वहाँ पे होल्ड करते थे, तो उसी समय असम पुलिस एंड सीबीआई एनआईए सब मिलके ट्रैकिंग करने के बाद वहाँ पे उनकी घर पे मतलब समीर अहमद के घर पे मिस्टर ज्वेल गर्जन पार्थो वारिसा को मिला है एंड वहाँ से अरेस्ट किया गया, तो उसी के घर पे मिला है इसीलिए साथ में उसे भी अरेस्ट किया गया क्योंकि वही कहावत जो है चोरी करना और चोरी का सामान लेने का सजा एक ही होता है, बराबर होता है, उसी सेम उसी तरह है, सेम लाइक दैट, तो उसे भी अरेस्ट किया गया है, तो आज वो भी करीबन 4 साल की सजा कट चुका है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए वो लोग एक साथ जेल पे था तो इसीलिए कहीं हद तक उन्हें भी पता है कि अंदर पे क्या हुआ है, कैसे हुआ नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो भी खुलेआम आज बोल पा रहा है कि कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है मिस्टर नूनी सर, आज जो आप और समीर अहमद जी के बीच में जो 26 मिनट और 2 सेकंड का बातचीत हुआ फोन पे, तो उस फोन पे क्या बातचीत हुआ था, हम लोग का जो व्यूअर्स है उन लोग को सुनाना चाहते हैं, आप लोग भी सुनिए मिस्टर नूनी सर और समीर अहमद जी के बीच में क्या बातचीत हुआ।
अब सुनिए और आप सोचिए कि किस हद तक जा सकता है इस जो आज की जो कार्रवाई जो हो रहा है एंड जो सच्चाई जो है आप सबके सामने जो अभी आने वाला है, आप सुनिए एंड आप एनालाइज कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट पे किस तरह से घोटाला होता है और किस तरह से लोग को फंसाया जाता है और किस तरह से लोग फंसते हैं, जो निर्दोष लोग कुछ लोग होता है और कुछ जो मेन जो कल्प्रिट होता है वो कहीं बाहर होता है एंड करप्शन किस तरह से हुआ जाता है, जो मिस्टर समीर अहमद से आज हम जान पाए हैं। आप देखिए उसमें मिस्टर समीर अहमद भी 4 साल गर्भन जेल पे अपना सजा काट चुका है, वो खुलेआम जो किसी को नहीं डर के अपना जो फुल्ली इंडिपेंडेंटली जो आज खुलासा किया है हमारे सामने में, तो आप सुनिए और उसे सोचिए कि किस तरह से करप्शन किया जाता है। वेलकम टू एनडीएच मिस्टर समीर अहमद, आपको स्वागत है हमारे एनडीएच पे। जो बल्कि अभी जो बर्निंग इशू चल रहा है कि फिलहाल की जो प्रेजेंट सिचुएशन है एनसिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के ऊपर, जो वहाँ कुछ मेंबर्स है फिलहाल, कुछ लोग जेल के अंदर है और कुछ लोग बाहर पे है, और फिलहाल जो 15 मई को इस केस को रिलेटेड एनआईए की जो इस केस को लेकर कार्रवाई होने वाला था वो नहीं हो पाया। अगर इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो ब्लेम आ पड़ा है कि 1000 करोड़ एनसिल्स, 1000 करोड़ के नाम से आप एनसिल्स का नाम को जाना जाता है, तो फिर आप भी इसी केस के रिलेटेड कुछ साल जेल के अंदर थे, तो फिर आपको आप क्या कहते हैं कि इस बारे में कि एनसिल्स पे, बल्कि अभी जो डीमा हासाव है, सच में कि 1000 करोड़ स्कैम हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो वो फिर किस तरह से हुआ है? या थैंक यू वेरी मच जेड मेरे को इंटरव्यू के लिए बताने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1000 करोड़ स्कैंडल जो है, तो इसमें अगर आप ये बोलते हो कि ये 1000 करोड़ स्कैंडल नहीं हुआ तो ये भी झूठ है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1000 करोड़ स्कैंडल अभी जैसे मोहित हुसैन सीएम जब दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का था 2 महीने के लिए, तो 2 महीने में कोई भी 1000 करोड़ का स्कैंडल नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ये मोहित हुसैन के ऊपर में ये नहीं होता है। अच्छा। अदरवाइज ये डीएचडी जे डीएचडी जो दिमा हलम दोगा लेकिन जब इनिशियली जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, ये करप्शन फ्रॉम द काउंसिल पैसा लेना तब से शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, सो इट इज नॉट अ मैटर, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी 1-2 साल का बात है या दो तीन साल के अंदर में 1000 करोड़ का स्कैंडल हो गया। आप कह सकते हो कि फ्रॉम 1993, हाँ, तो फिर सबसे बड़ा बात है कि मोहित हुसैन को 2009 पे उसको अरेस्ट किया गया है, तो फिर अभी फिलहाल उनके ऊपर 1000 करोड़ का भी उसमें धब्बा लगा हुआ है उसके ऊपर, तो फिर क्यों, अगर मोहित हुसैन उसमें अगर उसमें कुछ मोहित हुसैन का कुछ अगर कुछ हद तक उसका हाथ नहीं है तो फिर उनको क्यों अरेस्ट करके रखा गया है इतना साल तक, करीबन अभी 7 या 8 साल होने वाला है ऑलमोस्ट, अभी तक जेल पे है। हाँ, लेकिन मोहित हुसैन के ऊपर में धब्बा लगा है 1000 करोड़ स्कैंडल का, क्योंकि एक बड़ा ओहदे पे था, एक बड़ा पोजीशन पे था, वो सीएम था। तो बात यह है कि अभी मोहित हुसैन सीएम होके 2 महीने के अंदर में 1000 करोड़ स्कैंडल कैसे कर सकता है, जबकि दिमा हसा ऑटोनोमस काउंसिल का एनुअल फंड भी उतना नहीं है, 1000 करोड़ है ही नहीं, तो एनुअल में 2 महीने में वो कैसे कर सकता है। अब मान लीजिए 93 से 2009 तक इट इज अराउंड 16 इयर्स, हाँ, तो इतने सालों में आप जस्ट मिनिमम पकड़िए 100 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड, ठीक है, ओके। तो ये बात 1000 करोड़ उस टाइम से लेके 2009 तक का बात है, From 93 to 2009 तक आप लीजिए, तब से ये उस टाइम से सरकार जो था दिमा हसाओ में उस टाइम से लेके 2009 तक, और ये 1000 करोड़ स्कैंडल जो हुआ है इसमें डीएचडी जे का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि डीएचडी जे को पूरा पैसा डीएचडी जे को दिया है, ओके। इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स है और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिन्होंने इस चीज का मतलब पूरा फायदा उठाया मौके का फायदा उठाया। मान लीजिए मैं आज एक टेररिस्ट हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक टेररिस्ट हूँ,
मैं जंगल में हूँ, मैं दिमा हसाओ के लिए फाइट कर रहा हूँ, मैं जंगल में हूँ, मैं आप काउंसिल का सीएम है, मैं आपको फोन कर रहा हूँ कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए टू प्रोक्योर आर्म्स एंड एम्युनिशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सीएम कहाँ से पैसा लाएगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सीएम पैसा लाएगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे आपका हफलोंग में दिमा हसाओ आपको हर डिपार्टमेंट से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पैसा। ये आपका जो अमाउंट आपसे काउंसिल सीएम से मांगा गया है तो हर डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, वो किसी का शेयर में आ गया 50 लाख, किसी के शेयर में आ गया 20 लाख, किस डिपार्टमेंट से आपको इतना देना है, उस डिपार्टमेंट से इतना देना है, तो वो लोग ये पैसा दे देता है। लेकिन क्या करता है, जहाँ पे 20 लाख दिया है वो लोग 40 दिखाएगा, जहाँ पे आपका 50 लाख दिया है वहाँ पे दिखा देगा 1 करोड़ दिया है। ओके, तो इस तरह से क्या क्या इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लस ब्यूरोक्रेट्स ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। एक्चुअल अमाउंट ठीक है, मैं जंगल में आपको 2 करोड़ मांगा है, लेकिन फायदा उठाया कि इन्होंने बाकी जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिशियल्स है प्लस कॉन्ट्रेक्टर्स एंड पीपल लाइक आर एच खान का जैसा आदमी क्या क्या फेक बिल बनाया, कॉन्ट्रेक्टर्स के नाम पे फेक बिल बनाया, कुछ कुछ कॉन्ट्रेक्टर्स को उसने कुछ कमीशन दिया बिना काम किए हुए, विदाउट काम का परसेंटेज लेके वो बैठ गया उसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिमा हसाओ के लिए कोई भी उन्होंने मतलब एक्सेप्ट गिविंग ए ऑटोनोमस स्टेट, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी डेवलपमेंट फंड देने में, पूरा दिया है डेवलपमेंट फंड। अगर यूटिलाइज होता ना, उसमें हाफलोंग में एक गांव नहीं होता जहां पे आदमी अभी भी गमछा पहन के घूमता है, एक गांव नहीं होता जहां पे इलेक्ट्रिसिटी या पानी नहीं होता अगर फंड प्रॉपर यूटिलाइज होता। एग्जैक्टली, हाँ। तो अभी आज एनआईए ने क्या फाइन किया दिमा हसाओ में जाके, एनआईए ने जब फाइल खोल के देखा, हर डिपार्टमेंट में काम हुआ है, सोशल वेलफेयर में दिखाया गया कि वहाँ पे ये बन गया, वहाँ पे ये बन गया, पीडब्ल्यूडी में बोला है कि वहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ, फाइल्स में एवरीथिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है उसमें। प्रैक्टिकली आप जाके देखो कुछ भी नहीं है। ओके ओके, तो व्हाट दे डिड, उन लोगों ने बहुत पैसा एक्सट्रैक्ट किया। सो इसमें मोहित होजाई जो है ना, इस एकदम मिनिमम अमाउंट के लिए पकड़ा गया है, 1000 करोड़ के साथ में मोहित होजाई को जोड़ना इट विल बी नॉट रीजनेबल। इनोसेंट नहीं बोलूंगा, ही वाज आल्सो अंडर प्रेशर। मोहित होजाई अपना खुशी से पैसा नहीं दिया, 1 करोड़ रुपया जो भेजा गया था वो अपने खुशी से नहीं दिया, वो डिमांड किया उसने दिया। उस समय किसने डिमांड किया था? वो डीएचजी ने डिमांड किया था। ओके, जो इनिशियली जो बाबुल कैंपराय और ये प्रजेंद्र होजाई जो पकड़ा गया था इन जोराबाद, 1 करोड़ रुपया से, तो वो 1 करोड़ कहाँ से आया था? तो उसने बोला था कि 30 लाख उसमें तो आरिफ खान ने दिया था। ओके, 30 लाख आरिफ खान ने दिया उसने, आरिफ खान ने दिया था, हाँ, और बाकी मोहित होजाई दिया था करके बाहर निकल गया बात। लेकिन इसमें क्या है कि ठीक है 70 लाख या 80 लाख 90 लाख उतना मोहित होजाई 2 महीने का टेन्योर में कोई डिपार्टमेंट से बोल सकता है कि हाँ वो ऑर्गेनाइजेशन मांग रहे हैं हमको देना पड़ेगा। वो मोहित होजाई, मैं बोलता हूँ कि वो अंडर प्रेशर में ये काम किया, अदरवाइज मैं इस आदमी को करप्टेड नहीं बोलूंगा मोहित होजाई। ओके, बिकॉज मोहित होजाई के साथ में मैं खुद रहा हूँ। आप करीबन नियर अबाउट 4 इयर्स ऑलमोस्ट 4 इयर्स आप जेल पे थे, सेंट्रल गुवाहाटी सेंट्रल जेल पे, तो भी उस समय आपके साथ कौन कौन थे? उस समय सब कोई था आपका, उस समय इनिशियल स्टेज में इवन निरंजन वाज इनसाइड ज्वेल फॉर ए ब्रीफ पीरियड, लेकिन ज्वेल वर्लोसा को नौगांव जेल स्पेशल जेल में लेके अदरवाइज आरिस खान मोहित होजाई ये पार्थो वारिसा, लेकिन बाबुल कैंपराय और ये जीवांशु पाल, उसके बाद में करुणा सोइकिया पीएचडी का इंजीनियर था और ये प्रजेंद्र होजाई, ये लोग बाद में आया जिनके साथ में एनआईए 02 केस शुरू हुआ। 02, ओके, आप लोग का 01 पे था? हम लोग का 01 में था, 02 शुरू हुआ उन लोग के साथ में, दयांगमुख में कोई 32 लाख पकड़ा गया था। अच्छा, इस चीज के साथ दिसपुर का कुछ लिंक है क्या? अगर है तो कौन हो सकता है? दिसपुर को मैं ये ऑफिशियली मैं कुछ नहीं बोल सकता है ये, क्योंकि देखिए जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है
सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस काउंसिल हाफलोंग का अगर डायरेक्ट रिलेशन होता, ये फंड डायरेक्ट आता तो ये, हाँ, ये रिलेशन नहीं होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है स्टेट गवर्नमेंट से राउट होता है। हम लोग का डीएसडी जे का मेन फाइट क्या है, ज्वेल गोलोसा का फाइट क्या है, वी वांट स्टेट विद इन द स्टेट इंडिपेंडेंट, यानी कि वी वांट द फंड डायरेक्टली टू आवर सेल्फ एंड फॉर आवर डेवलपमेंट, फुल्ली ऑटोनोमस। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको ये लॉ एंड ऑर्डर से लेके और कुछ कुछ पावर्स भी ऑटोनोमस स्टेट में आ गया वो पावर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये पावर को छोड़ना नहीं चाहता है। ओके, वो एचईडी से कंट्रोल कर रहा था शायद। हाँ, वही से कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद में ये पैसा जो आपको, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 250 करोड़ एनुअल बजट है दिमा हसाओ फॉर डेवलपमेंट फंड, ये पैसा आता है राउटेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और ये पैसा को गुवाहाटी से रिलीज कौन करता है, दिसपुर से जाके? आर एस खान एक सोशल वेलफेयर का डायरेक्टर ही था। सो हाउ डिड ही गेट द पावर ऑफ लाइसेंस ऑफिसर टू रिलीज द मनी फ्रॉम देयर? तो अगर आर एस खान वहां से पैसा रिलीज करके लाता है विदाउट एनी ऑथोराइजेशन, सो वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंस इन दिसपुर और व्हाट हैपेंस विद आर एस खान एंड देयर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि दिसपुर के साथ में कितना लिंक है नहीं है इसमें भी डाउटफुल है, क्योंकि आर एस खान हाउ कैन ए पर्सन डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर चीफ मिनिस्टर के साथ में, गवर्नर के साथ में एक बार हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठ के भी गया हुआ है। यू अंडरस्टैंड? सो ए पर्सन, एंड आई थिंक ही इज नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टर, आई थिंक ही इज इंचार्ज ऑफ डायरेक्टर मोस्ट प्रोबेबली, मैं उसके बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन एज फार एज आई नो एंड अनदर थिंग, खान हैड मेड वेरी ओके, दिस द पीपल ऑफ हाफलोंग, पीपल ऑफ दिमा हसा शुड नो दिस। जब खान का पैसा पकड़ा गया था 13 crore 45 lakhs, उसका गैरेज, उसका ब्रदर इन लॉ का गैरेज थे, तो उस दिन क्या हुआ, पैसा पकड़ा गया, खान वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इनसाइड द प्रिजन, ओके, एकदम मुंह बिल्कुल काला करके, मतलब चुपचाप बैठा हुआ था। ओके, आई थॉट दैट वो पैसा पकड़ा गया करके उदास है, तो मैं आई जस्ट टोल्ड हिम आर एस खान, यह पैसा गया छोड़ो, बाद में निकल के फिर कमा लेना, क्या बड़ा बात है, ऐसा करके मैं जस्ट टू कंसोल हिम। बट व्हाट ही टोल्ड मी दैट ये 13 crore 45 lakhs मैंने जकात दिया, समझ लिया, जकात होता है मुस्लिम में 10 bhag का 1 bhag गॉड को देना। हाँ, वो परसेंटेज, वो जितना इनकम होता है उसका परसेंटेज वाइज दिया जाता है, उसके डोनेशन परसेंटेज वाइज। हाँ, 1/10 आप अगर 1000 rupees आपका सैलरी है तो उसमें से 100 rupees आप गॉड को देते हो। ओके, सिमिलरिटी क्रिश्चियनिटी में बोलते इसका टाइप, तो इफ यू आर अर्निंग 10,000 सैलरी तो आप उसमें से 1,000 यू गिव इट टू गॉड, दैट इज बाय फेथ, बाय बिलीव इन योर ओन रिलीजन। तो खान बोला कि मैंने ये 1/10 दिया है, सो जस्ट इमेजिन उसके पास तब तो और कितना होगा, कितना हो सकता है, वो भी सिंस 93 to 2009, कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। एंड नहीं, 93 से 2009 तक खान तो उस टाइम तक नहीं था, नहीं था शायद, फिर कब से स्कैम तो तब से हो रहा है, तब से। ओके, सो दिस करप्शन वाज नॉट जस्ट ऑन द लोअर लेवल, इट वाज फ्रॉम द वेरी हाई लेवल, ये करप्शन हो क्या रहा है, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ कांग्रेस। ओके, तो शायद अभी भी इसका जो मेन विक्टिम्स जो है, मेन जो इसका इसमें जो जुड़ा हुआ है, जो स्कैम पे, स्कैंडल पे जो जुड़ा हुआ है, शायद वो लोग अभी भी बाहर पे है शायद। नहीं, स्कैंडल से जुड़ा हुआ बहुत आदमी है हु आर नॉट अरेस्टेड, वे स्टिल रोमिंग अराउंड। हाफलोंग में, माहूर में, माइबोंग में, हरंगाजाओ में, हतिखाली में, लांगकिंग में, एंड ऑल दोस एरियाज, ये आपका वाड्रिंग डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेंट डिस्ट्रिक्ट, ये तरफ में आप कभी गया है बस्ती के अंदर में? हैव यू सीन देयर कंडीशन? पूरे देखा है, बुरे हाल है उस तरफ। टेल मी, यू टेल मी द मार विलेजेस, एकदम इंटीरियर मार विलेजेस, द बेटे विलेजेस, यू टेल मी द रंगखोल विलेजेस, क्या हालत है उनका अभी तक? और ये 13 crore, डू यू थिंक इट्स ए स्मॉल अमाउंट? जो गैरेज में छिपा के था वो दिमा हसाओ का पैसा था, और बाकी पैसा और किस किस का पॉकेट में गया? व्हाई द ईएम एंड सीएम्स आर सो रिच? आपने देखा है, एकदम लेटेस्ट मॉडल बाइक निकलेगा वो लोग खरीद लेता है, वो निकलेगा, किसका पैसा है वो? गरीब लोग का पैसा है। सो
दिस ब्लेमिंग 1000 क्रोर्स स्कैंडल बाय टाइम्स मैगजीन ड्यूरिंग आवर टाइम इन प्रिजन ड्यूरिंग व्हेन आई वाज इन प्रिजन उस टाइम भी टाइम्स मैगजीन में फर्स्ट निकला था 1000 क्रोर्स स्कैंडल सो इट कैन नॉट बी एंटायरली अ लाई बट मोहित होजाय कैन नॉट बी रिलेटेड टू दैट 1000 क्रोर्स स्कैंडल ही जस्ट मे बी पॉइंट 0.1%, say not even 1%, 0.1% he can be connected there within the 2 months, and that also not willingly. He had to pay that money because he had to retain his post. And at that time, CM जो होता है ना काउंसिल का जो भी CM बैठेगा, it was under the dictates of the CNC of DSTJ, who dictates who will be the CM of council. Okay, then that means so. जस्ट लाइक ए रबर स्टंप वो सीएम है लेकिन अंडर कंट्रोल ऑफ सीएनसी एंड हु इज द सीएनसी ऑफ डीएसटीजे निरंजन हो जाए ओके फाइन निरंजन हो जाए सो सपोजिंग टुडे आई एम द सीएम एंड आई एम अनएबल टू फुलफिल हिज डिमांड्स ओके सो व्हाट हैपेंस इज दैट ही गिव्स अ कॉल टू मी एंड ही आस्क्स मी टू रिजाइन इमीडिएटली एंड ही विल चूज द पर्सन ही डिजायर्स ओके Okay, so this was happening on the dictates of him, Niranjan Hojai. But the Niranjan Hojai, whatever he demanded, whatever be the purpose, whatever he demanded, maybe he demanded 2 crores. Okay. So what happened was that the CM, whoever was there, would extract more money than 2 crores, and the rest of the money from the department should go to the pockets of these government officials and their politicians. Mm-hmm. And 2 crores would be paid to the organization, no doubt. As a public, आप यू ऑल्सो सिटीजन ऑफ डिमहासाव एज ए पब्लिक आपको क्या लगता है कि जैसे कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आता है फॉर डेवलपमेंट के लिए बोलता है वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है फिर वही डेवलपमेंट की बात करके फिर उसी डिस्ट्रिक्ट का पैसा को फिर एक्सट्रैक्शन करता है तो फिर ये फेयर है क्या देखिए एज फार एज जुएल गोडोसा को मैं जानता हूँ वो एकदम ऑनेस्टली जुएल गोडोसा का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं था ओके और जुएल गोडोसा के पास में उतना कैश भी नहीं था क्योंकि अरेस्ट जब हुआ था ही डिड नॉट हैव एनी कैश आल्सो ओके ठीक है इसलिए क्योंकि जुएल के पास में ना हिडन मनी था कुछ भी नहीं था सो जुएल गोडोसा मेरे को एक बार बहुत पहले बता चुका था कि समीर प्लीज फाइंड द बिजनेस क्योंकि आप बाहर रहता है फाइंड द बिजनेस फॉर द एकदम विलेजर्स और सिल्क वॉर्म से जो सिल्क एक्सट्रैक्ट करता है प्लीज फाइंड द बिजनेस फॉर देम इन द मेट्रोपोलिटन सिटीज सो दैट दे कैन अर्न समथिंग सो दैट मीन्स ही एज अ लीडर जुएल गोडोसा इज आई मीन रियली कॉन्शियस ऑफ डेवलपिंग द प्लेस ओके बट देन Not his subordinate. Okay. Uska jo successor se ya uska subordinate se. That is the reason Joel Gorlosa is not getting the opportunity to be the CM till now. Okay. Agar Joel Gorlosa CM hoga, he might do justice. I'm telling you. Mm-hmm. But what happened? The other guys have tasted money. They have tasted luxury. They have tasted the very high class life and riding very high class vehicle. तो ये लोग जो है ना इनको वो टेस्ट पूरा करने के लिए उनको अभी भी डेवलपमेंट फंड से वो लोग पैसा अभी भी निकालेगा सो देयर वोंट बी एनी डेवलपमेंट टिल नाउ स्टिल नाउ आल्सो टिल अरे आप बताओ मैं उधर क्या बोलते हैं उसको सोनदिला में मैं जब क्लास 6-7 में था मेरे पापा के साथ गुवाहाटी से वापस आ रहा था एक एसटीसी का ट्रांसपोर्ट इट केम डाउन ड्रैगिंग ऑन द मड मतलब बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर रोड That was then in 1980s. Till now, road also not good. Till now. And now I see in Facebook the same condition of the roads. So now you tell me, 1000 crore ka scandal hua hi nahi. Exactly. Paisa kahan gaya? Rasta kyun nahi bana? Bolo. So phir aapke hisab se 1000 crore scam hua hai aur isse kahi guna zyada bhi hua hai. लेकिन ये छापा में आया है कि ये 1000 crore है ओके ये दिस ट्रेलर थाउजेंड करोड़ को अभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आर यू मैड दिमाग में कितना फंड आया नहीं दिमाग में कितना फंड आया एनुअल फंड के बारे में हम नहीं बोल रहे हम लोग बोल रहे हैं ओवरऑल 15 इयर्स का ओवरऑल फंड
हाँ ओवरऑल कितना स्कूल डेवलप्ड हुआ है आप बताओ, कितना गवर्नमेंट टीचर्स को अभी कितना साल से सैलरी नहीं मिला, कहाँ गया पैसा सर? इस केस के साथ रिलेटेड आप भी थे उसमें, तो फिर आपको किस हिसाब से आपको अरेस्ट किया गया था? मुझे अरेस्ट किया गया था, मैं HSBC बेंगलुरु में जॉब कर रहा था वहाँ पे। ओके। उस टाइम पे पार्थो मेरा दोस्त था, आई मीन ही स्टिल माय फ्रेंड, पार्थो मेरा फ्रेंड है, ही केम टू बेंगलुरु। ओके। लेटर ज्वेल बोलर सर वांटेड टू कम टू बेंगलुरु, ज्वेल बोलर सर भी आया। तो फाइनली ऐसा हो गया कि there were telephonic conversation between Partho and his family and other people in Hong Kong. Yeah. And then we did not know. उस टाइम हम लोग नहीं जानता था कि Partho actually वो भाग के आया हुआ है. I think he has some terms with the Assam police. Okay. So they were tracking him. So हमको तो मालूम नहीं ना. I was just working. I was going to office and coming. Then I took him as a friend. Joelko, I respect him as a very senior leader. तो वो लोग वहाँ पे था, सो थ्रू दिस फोन कॉल्स दे ट्रैक्ड अस। ओके। सो बिकॉज़ ऑफ आई वुड से सम मिस्टेक्स ऑफ थ्रू द फोन ओनली, सो उसके लिए वहाँ पे पकड़ा गया। सो व्हाटएवर, सो आफ्टर आपको NIA पे चार्जशीट लगाया गया है? NIA चार्जशीट लगाया है और NIA ने जितना सेक्शन सभी पे डाला है, सब सेक्शन मेरे पे भी डाला था। और हम लोग के ऊपर में सबसे हार्ड सेक्शन था सेक्शन 43D, जैसे कि आपका CRPC में जो भी सेक्शन है उसमें ऐसा लिखा है कि मे नॉट बी बेंग मे, लेकिन हम लोग के ऊपर में NIA ने ऐसा एक सेक्शन लगा दिया 43D, ये सेक्शन होने से इट इज शेल नॉट बी बेंग शेल, वेरी हार्ड वर्ड, बेल मिलेगा ही नहीं एंड इट बिकॉज प्राइमा फेसी ट्रू, जो भी एविडेंस मिला है इज ट्रू। Mohit Hojai, I would say he really didn't, he's not involved with the thousand crore scandal. 2 महीने में कोई पागल ही होगा जो बोलेगा कि Mohit Hojai is involved with the thousand crore. He's a poor man, I'm telling you. सचिन में वो आदमी के पास में कुछ भी नहीं है। बेम्बू मैं जब अपने गांव में था बेम्बू बेचता था, बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, बहुत मेहनत करके बड़ा हुआ है, सो ही नोज द पेन ऑफ द पोअर पीपल, जेन्युइन लीडर, Mohit Hojai इज अ जेन्युइन लीडर, आई रियली रेस्पेक्ट हिम। एंड बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं जो EM और CM अभी है, दे शुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली इफ उसको लेके गया है, तो फिर आपका मानना क्या है कि उसमें क्यों उसको एक्सटेंशन किया गया है? उसमें एक्सटेंशन किया है, उसमें प्रोसिक्यूशन लॉयर्स वो लोग कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि वहां पे एक विटनेस है जिसने यस भी बोला है नो भी बोला है, अभी जज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यस को एक्सेप्ट करे या नो को एक्सेप्ट करे। समझ रहे हो, आपने एक विटनेस दिया है लेकिन आपने इनिशियली बोला था नो, आप बाद में बोलते हो कि यस, सो नाउ द कोर्ट इज कंफ्यूज, शुड द कोर्ट एक्सेप्ट यस और नो? Then उसमें और भी तीन reasons है। Another thing is that is the state government related case or something like that, or is it from the governor, जो council जो है, so the council functions under the dictates of the state government or the governor, ऐसा भी कुछ कुछ clarification चाहिए उनको। So NIA का prosecution lawyer जो है, so he must have provided all the clarification now. So based on that, on 22nd May they will declare the judgment, and this judgment, I feel just my feeling and my opinion that Partho Warisa, Mohit Hojai, and 2 or 3 more might get released because they have already completed 7 years 11 months. Next month June 3 mein 8 years ho jayega wo log. Okay. So minimum punishment is 5 to 7 years. So agar 7 years bhi deta hai, so they have already crossed their conviction time. Their tenure वो खत्म कर चुका है। हाँ, but the most इसमें सोचने वाला सबसे the most problematic
द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फॉर ज्वेल एंड निरंजन, क्योंकि वो लोग बहुत कम टाइम जेल में रहा है. तो अभी अगर उनको कन्विक्शन मिलता है, मान लीजिए 5 years, मिनिमम 5 years या मैक्सिमम 10 years मिला, तो क्या होगा, दे हैव टू गो इन एंड देन कम्प्लीट द 10 years. बट देन इसमें वो लोग का एक और एडवांटेज है, 43D जो सेक्शन है वो इज एप्लीकेबल ओनली बिफोर ट्रायल. नाउ ट्रायल इज ओवर, इट्स नॉट नो मोर एप्लीकेबल, सो दे कैन अगेन टेक बेल फ्रॉम द हाई कोर्ट. ओके, दे कैन अप्लाई एंड टेक बेल फ्रॉम द हाई कोर्ट. ज्वेल गर्लोसा एंड निरंजन हो जाए. निरंजन हो जाए. ओके, इफ इफ दे आर कन्विक्टेड. ओके, इफ ओनली दे आर कन्विक्टेड. नाउ जीरो टू केस में बाबुल कैम्प्राय गोलन जो लोगों को दिवांशु पॉल एंड आई थिंक कोरोना शैकिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे विल बी देयर कन्विक्शन देयर जजमेंट माइट बी जीरो टू माइट बी इन अ डिफरेंट डे और मे बी ऑन 22nd इटसेल्फ. बट जीरो टू इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मोहित होजाय एंड अदर्स. ओके, ओके मिस्टर जमीर अहमद, थैंक यू वेरी मच. बहुत सारा हिडन चीज जो आप आज आपसे हमें सुनने को मिला है, और जितने भी व्यूअर्स है एनडीएच के एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिमा साउथ, क्योंकि काफी दिनों तक ये हिडनली ये चीज रह गया था कि किसी को सच्चाई क्या हुआ था, इसके पर्दे के पीछे बात क्या है, किसी को पता नहीं था. आज एटलीस्ट आपके मुंह से ये खुलासा करने के बाद बहुत लोगों को आज पता चलेगा एनडीएच के जरिए. उसके लिए थैंक यू वेरी मच आप हमारे इस एनडीएच की टॉक शो पे हमारे साथ जो योगदान देने के लिए. तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर समीर अहमद. एनसीएल दिमा हसाओ पे किस तरह से करप्शन होता है शायद आप लोगों को पता चल चुका है. इसी तरह देखते रहिए एनडीएच मेरे साथ. मैं हूं दीपांकर मैच और मैं हूं जयपुर साहब. बने रहे एनडीएच की नए नए जो हिडन जो खबरें हैं उसे आपके सामने हम पेश करते रहेंगे, और भी इसी तरह हर वक्त हम आपके समय जो हिडन स्टोरी से उसे हम एक्सप्लोर करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे. उसके लिए आप एनडीएच के साथ बने रहिए. धन्यवाद.